हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं सिटी साहब सबको स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज है हमारा उड़ीसा का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल जिसको बोलते हैं रौजो। रौजो एक्चुअली 3 दिन का फेस्टिवल होता है। एक्चुअल में वो रौजो में सब लड़की लोगों का फेस्टिवल है। ये रौजो में लड़की लोग अच्छे से सज धज के, न्यू ड्रेस पहन के, पैर में आलता लगा के झूला झूलते हैं। ये 3 दिन बहुत मस्ती करते हैं और 3 दिन में बहुत अच्छा, मम्मी लोग सब बहुत अच्छा अच्छा पीठा बनाते हैं। स्पेशली रोजो में पोड़ो पीठा, काकरा पीठा, आरिसा पीठा और हमारा मोंडा पीठा, ये सब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे स्पेशल है पान। पान को भी खाते हैं, मीठा पान जो होता है उसको भी खाते हैं, और रोजो में झूला जो होता है वो झूला झूलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअल में फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पे, तो दिल्ली में तो ये सब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फ्लैट वाला घर है, इसमें तो झूला तो नहीं लगा पाएंगे हम लोग। इसीलिए मैं श्री के लिए, श्री को आज बिल्कुल नया ड्रेस पहना दी, श्री को सजा दी श्री को, और उसको आलता भी मैं आज लगा चुकी हूँ और श्री बहुत खुश है। और श्री के लिए मैं आज पीठा बनाऊँगी। मैं सोची क्या पीठा बनाऊँ। एक्चुअल में फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी, 2 वैरायटी का मैं पीठा बनाऊंगी। पहले से ही आपको मैं सूजी का पीठा बना के दिखा चुकी हूँ। आप सब नहीं देखे हैं तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा जो पीठा है, मैं आज पोड़ो पीठा बनाऊंगी चावल में। और मैं जो सूजी का, जो फ्रेंड्स मैं जो पीठा बनाई थी काकरा पीठा, वो आज सूजी से नहीं बना के मैं आज आपको आटा से कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। और हम चावल से जो पोड़ो पीठा बनाते हैं वो भी कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। एक्चुअल में उसको हम जो गाँव में जो मिट्टी में जो चूल्हा बनाते उसमें बनाते हैं, मेरे जो दादी लोग हैं वो सब में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ना मिट्टी का जो चूल्हा है वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम गैस में कैसे उसको बनाते वो आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी चलिए हम श्री से पहले बात कर लेते हैं और श्री का नया ड्रेस आप देख लेंगे और श्री कैसे मतलब उसको कैसे मैं आलता लगाई हूँ वो देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम श्री को पहले देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, श्री कैसे देख रही है, वो अपनी मिकी माउस को लेके एंजॉय कर रही है। ये श्री का नया ड्रेस है, हाँ आपका बेबी है, और अच्छे से वो आलता लगाई है। दिखा दो श्री। देखिए फ्रेंड्स, वो कैसे आलता मैंने उसको लगा दी। फ्रेंड्स, छोटे छोटे पैर में आलता लगा के बहुत सुंदर लग रही है श्री। और आप सब कैसे, मतलब उड़ीसा में जो मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं वो सब कैसे मतलब रोजों को एंजॉय किए हैं, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आटा में कैसे काकरा पीठा बनाते हैं वो आपको आज मैं बनाना सिखाऊंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आपको आज पोड़ो पीठा भी सिखा देती, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं कैसे पोड़ो पीठा बनाते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आप मेरे रोजो वाला वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और ज़रूर देखिए, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आप सब बहुत अच्छे जल्दी से सीख भी पाएंगे। और बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा ट्रिक है वो सब मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा ट्रिक आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आप आटा का काकरा पीठा बना सकते हैं और पोड़ो पीठा भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं जल्दी 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 से। फ्रेंड्स, पहले हम काकरा पीठा के लिए स्टॉपिंग बनाएंगे। स्टॉपिंग के लिए हम गुड़ लिए हैं। ठीक है, गुड़ हम इस वाले कटोरी में हम 2 कटोरी गुड़ लिए हैं। इसको अभी हम थोड़ा सा पानी देके पहले गुड़ को मेल्ट कर देंगे। जैसे कि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम इसमें नारियल का टॉपिंग बनाएंगे, इसलिए हम नारियल डालेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा से मिला देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे हम कंटिन्यूसली इसको मिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी इसमें हम नारियल डालेंगे, मेरे को जितना जरूरत है मैं उतना डालूंगी। अभी इसको अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर दिए हैं,
इसको अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलने के बाद इसको और थोड़ी देर तक हम सॉटे करेंगे, जैसे कि हमारा गुड़ का पानी सब सूख जाए। इस टाइम में फ्रेंड्स हम इलायची, 4-5 इलायची को ऐसे कूट के रखे थे, इसको अभी ऐसे ऐड कर देंगे। इलायची का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम काकरा पिठा बनाते हैं स्टॉपिंग में थोड़ा सा इलायची डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने के टाइम मुंह में थोड़ा सा इलायची का दाना आए तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारा पानी है वो सूखने तक हम ऐसे कंटिन्यूसली सॉटे करते रहेंगे, क्योंकि गुड़ है नीचे लगने का बहुत चांसेस रहता है। फ्रेंड्स देखिए सब पानी सूख गया, अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स इसको भी हम ठंडा कर देंगे। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा रेडी करेंगे। फ्रेंड ये कटोरी में, 2 कटोरी में आटा ली हूँ, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैं 2 कटोरी आटा ली हूँ तो 2 कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे, इसमें गुठली नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको एक स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स देखिए 2 कटोरी के बाद भी हमको और पानी का ज़रूरत है, हम और 1 कटोरी पानी लेंगे और धीरे धीरे हम पानी देंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। मैंने अभी थोड़ा सा पानी दिया, फिर इसको ऐसे मिलाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए मेरा रनिंग कंसिस्टेंसी आ गया, अभी हम इतना ही पानी देंगे। इतना पानी हमारा, देखिए मैं 2 कटोरी पानी लेने के बाद भी हम और 1 कटोरी पानी लिए थे, उसमें से आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हमारा बच गया, हम इसको रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स पहले डो बना लेते हैं। फ्रेंड्स उसी ही कढ़ाई को हम ऑन कर दिए हैं, उसमें हम 1/2 कटोरी पानी देंगे और ऊपर का थोड़ा सा अच्छा कलर आए और थोड़ा सा मीठा लगे, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा इसमें गुड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें 2 टेबलस्पून गुड़ दिए हैं और थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। हम इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें हम सौंफ जो होता है, देखिए सौंफ बड़ा 1 टेबलस्पून हम सौंफ ऐड कर रहे हैं और बड़ा सा 1 टेबलस्पून हम इसमें घी भी ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल मेल्ट हो गया गुड़ हमारा। अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अभी हम जो घोल बना के रेडी किए थे आटा का, उसको अभी हम धीरे 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 इसमें डालेंगे। और कंटिन्यूसली ऐसे ही हम मिलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स नीचे चिपक रहा है, इसलिए बिल्कुल हम लो कर दिए हैं फ्लेम को और कंटिन्यूसली ऐसे ही हम इसको मिलाते रहेंगे।
जब तक हमारा एक डो ना बन जाए तब तक। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया। इसको हम फटाफट एक प्लेट में निकाल देंगे, नहीं तो यहाँ पे रहेगा तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और हमारा पीठा अच्छे से नहीं बनेगा। प्लेट में रखने से पहले इसमें थोड़ा सा हम घी डाल देंगे और इसको ऐसे लगा देंगे घी को। अभी हम इसको अभी डालेंगे इसमें। इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अभी बहुत गर्म है फ्रेंड। इसको गरम गरम ही हम इसे स्पैचुला से ऐसे इसको मिलाते जाएंगे, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो हमारा पीठा बनेगा नहीं और इसमें क्रैक आ जाएगा, इसलिए हमको गरम गरम ही इसको ऐसे मिलाना होगा। और मिलाने के टाइम बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा और घी दे देंगे। अभी इसमें 1 टेबल स्पून हम घी दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अच्छे से हम इसको मिला दिए हैं। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है और हमारा स्पैचुला से जितना भी हमारा आटा लग गया है इसको हम हटा देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक कटोरी में हम थोड़ा सा पानी ले लिए हैं, क्योंकि बहुत गर्म है, हम इसको टच नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम इसमें से ऐसे ही आपको जितना बड़ा चाहिए मतलब पीठा, उसके अकॉर्डिंगली हम ले लिए हैं और इसको हम ऐसे कर देंगे जैसे हम मोदक बनाते हैं, और इसके अंदर हम जो स्टॉपिंग रेडी करके रखे थे उसको दे के हम फटाफट बंद कर देंगे। और इसको जैसे आप मोदक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा फट जाए तो इसे हम इसको चिपका देंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, फटने का भी बहुत चांसेस रहता है। अभी फ्रेंड हमारा पीठा बन गया, अभी हम इसको ऐसे रख देंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी में हाथ डुबा के दूसरा ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके जैसे हम मोदक में स्टॉपिंग भरते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसमें स्टॉपिंग भर देंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी देके इसमें हम ऐसे ही बंद कर देंगे। ऐसे ही करते करते फ्रेंड हम सब पीठा भी रेडी कर देते हैं, फिर उसके बाद फ्राई करने के टाइम आपके साथ मिलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हम 2 कप आटा में हम 15 पीठा बना के अभी रेडी कर दिए हैं। अभी हम इसको ऑयल में फ्राई कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम एक कढ़ाई में ऑयल ले लिए हैं, ये रिफाइंड ऑयल है। आप चाहे तो पूजा में करते हैं ऐसे टाइप का पीठा तो आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम एक एक करके पीठा डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ऑयल गरम हो गया हमारा। अभी हम एक एक करके इसमें पीठा डालेंगे धीरे धीरे।
पहले हम हाई फ्लेम कर देंगे, थोड़ा सा हो जाने के बाद हम लो फ्लेम में इसको हम तलेंगे। फ्रेंड्स एक तरफ हो गया, हम दूसरे साइड से पलटा देंगे। बहुत ही धीरे धीरे आप पलटाइए। अभी हम पलटाने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। नहीं तो बाहर का हमारा क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर का कच्चा रह जाएगा। फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छा कलर भी आ गया। अभी हम ऐसे टिश्यू पेपर के ऊपर इसको निकाल देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अभी हम और डाल देंगे इसमें। फ्रेंड्स अभी हम फ्लेम को फिर से हाई कर दिए हैं। ऐसे ही करते करते हम सब पीठा बना देंगे। फ्रेंड्स हम सब पीठा अभी तल दिए हैं और कुछ पीठा अभी हम फ्राई कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स हम पहले प्लेटिंग कर देते हैं। एक प्लेट ले आए, उसको ऐसे हम अभी रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा रोजर स्पेशल पीठा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। इसको बनाने में मुझे हाफ एन आवर ही लगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज 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 एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गई हूँ, बहुत गर्मी हो रहा है अभी दिल्ली में। देखिए कैसे धूप है बाहर, बहुत गर्मी हो रहा है। और यहाँ पे और थोड़ा सा फ्राई हो रहा है पीठा, ठीक है। उस तरफ हम राइस बिठाए हैं और हम आज कुछ वेजिटेबल वाला सब्जी बनाए हैं। बहुत गर्मी हो रहा है, कुछ भी मतलब हैवी खाने का मन नहीं कर रहा है। और अभी हम जाएंगे राकेश को देंगे और पूछेंगे उनको कैसा लगा। वो तो अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, अभी तो रूम में अलाउ नहीं करेंगे। जब हम बाहर को आ जाएंगे लंच करने के लिए उस टाइम हम उनसे पूछेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप सब जो उड़ीसा में है वो सब रोजो कैसे मानते हैं आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक आप सबको एक सवाल पूछना है, आप सब पान खाए कि नहीं पहले मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप रोजो में पान खाए कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे जितने भी रिलेटिव होंगे वो तो पान तो ज़रूर खाए होंगे, और मेरा जो सब्सक्राइबर है वो सब पान खाए कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए। और श्री अपने टीवी देख रही है और मैं सब ये सब काम कर रही हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं श्री के पास, श्री क्या कर रही है देखते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी आके श्री के पास पहुँच गई हूँ, कितना पसीना पसीना हो गई हूँ। अभी जस्ट मैंने फैन चालू किया और श्री को देखिए। श्री आप क्या कर रही हो, ऐसे मुंह क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों मुंह कर रही हो, आप क्या कर रही हो? देखो मुझे पूछने लगी है कि मैं टीवी देख रही हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए मेरी बेटी को मुझे ही चार बात सुना दी। पापा मारेंगे, राकेश राकेश बोल रही हो। पापा क्या करेंगे, मारेंगे। पापा मारेंगे नहीं, प्यार करेंगे। पापा प्यार करेंगे। देखे 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 मुझे मार रही है, मुझे मार रही है। देखे देखे देखे
पीठा आपको कैसा लगा? चलिए फ्रेंड्स राकेश से पूछते हैं। पीठा अच्छा लगता है? आटा का बना है ना? हाँ, आटा का काकरा पीठा, जैसे जैसे मैंने सूजी का बनाया था ना, वैसे ही आटा का है। देखिए फ्रेंड्स, श्री को भी कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बच्चे भी खा सकते हैं, बहुत बहुत ही मजे से। सॉफ्ट है कि नहीं अंदर से? सॉफ्ट भी है, एंड सौंफ और गुड़ का, नारियल का बहुत अच्छा ये उसका अंदर में जो डाला है ना। हाँ, देखिए देखिए देखिए, देखो स्टफिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी। अच्छा लगा? देखिए फ्रेंड्स, श्री भी कितने खुशी होके खा रही है। पसंद आया? मेरी गुड़िया को पसंद आया? बोल दो सबको हैप्पी हैप्पी रोजो। फ्रेंड आपने देखा ना राकेश को कितना पसंद आया, और मेरी बेटी भी बहुत ही खुशी होके खा रही है। आप भी ऐसे ही पीठा बनाइए और खाइए। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी ये ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप बेल आइकन दबाना भूल जाएंगे तो आपको मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप बेल आइकन जरूर डालिए कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप जल्दी जल्दी जाके मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।